आदि पुरुष फिल्म के किरदारों और डायलॉग को लेकर जहां देश भर में लोगों में गुस्सा है, वहीं संत समाज भी इस फिल्म से आहत हुआ है। संत समाज ने सरकार से फिल्म पर बैन लगाने और सनातन परंपरा से भविष्य में खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सनातन फिल्म बोर्ड बनाने की मांग की है। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होते ही विवादों के घेरे में है। फिल्म के किरदारों और विवादित डायलॉग को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। संत समाज भी इस फिल्म से काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। संतों ने सरकार से फिल्म पर बैन लगाने के साथ ही भविष्य में कोई सनातन परंपरा के विरुद्ध फिल्मों के माध्यम से खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखते हुए निरंजनी अखाड़े के महंत दर्शन भारती महाराज का कहना है, जो भी सनातन परंपरा के ऊपर फिल्में और धारावाहिक बनाए जाते हैं उसकी निगरानी के लिए बोर्ड बने और उसमें साधु संतों को रखा जाए। हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो धार्मिक, जो हमारी रिलीजियस, जो हमारी फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, उनके ऊपर रेख देख करने के लिए कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ न कर रहा हो, हमारे साधु संतों को उसमें रखा जाना चाहिए और उनकी देख रेख में उसे बनना चाहिए। इस मुद्दे पर महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। फिल्म में रावण को चमगादड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया है, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। कपिल मुनि ने कहा कि राम के चरित्र के साथ भी फिल्म में छेड़छाड़ की गई है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कैसे मान्यता दे दी। आदि पुरुष, इसका तो नाम, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति और शास्त्र के विरुद्ध इसमें कई बातें हैं। जैसे रावण को चमगादड़ पे बैठा हुआ दिखाया गया, किस शास्त्र में लिखा है कि रावण का सिंहासन चमगादड़ का था? इस तरह से भगवान राम हैं तो उनकी वेशभूषा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ये रामायण ऐसा कैसे आया जो वेशभूषा, भाषा, संस्कृति और शास्त्र सबके विरुद्ध। भविष्य में फिल्मों के माध्यम से हिंदू सनातन परंपरा का अपमान ना हो, इसके लिए सेंसर बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर आदि योगी महाराज का कहना है कि धर्म मजाक नहीं होता, सनातन परंपरा पर बनने वाली फिल्मों की निगरानी के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें साधु संत रहे, उनके देखने के बाद ही फिल्म को देश में दिखाने की अनुमति मिले। धर्म मात्र एक मजाक नहीं है और इसको दर्शाने से पहले कम से कम मैं समझता हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए और सभी धर्मों का मैं समझता हूँ कि इसमें सहयोग होना चाहिए, बाकी सब धर्म गुरुओं को दिखाकर उसके बाद फिल्म को पब्लिक डोमेन में पेश करना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।